एम्स के डेड हाउस में एक साथ दो लाशें रखी हुई थी। एक लाश थी बिजनेस टाइकून गुरदीप सिंह चड्ढा और पॉन्टी चड्ढा की, और दूसरी उसके छोटे भाई हरदीप सिंह चड्ढा उर्फ सतनाम की। अरबों के साम्राज्य में हिस्सेदार ये दोनों भाई जीते जी तो साथ नहीं रह पाए, लेकिन मौत ने उन्हें बेहद करीब ला दिया था। मौत के बाद दोनों खामोशी के साथ पास पास लेटे हुए थे। एम्स में उनके दोस्तों और रिश्तेदारों का जमघट लगा था। सभी जानना चाहते थे कि पॉन्टी और हरदीप के बीच आखिर क्या हुआ, दोनों भाइयों का खूनी संघर्ष क्यों और कैसे हुआ। इन सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस भी जानना चाहती थी, इसलिए पुलिस की कई टीमें लगातार चश्मदीदों और मौके वारदात पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही थी। उनके बयान दर्ज किए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर फार्म हाउस में गोलियां क्यों चली, उस वक्त वहां कौन कौन लोग मौजूद थे, किस किस ने गोलियां चलाई थी। कई घंटों तक यह भी सस्पेंस बना रहा कि पॉन्टी चड्ढा और हरदीप को कितनी कितनी गोलियां लगी थी। शुरुआत में कहा गया कि पॉन्टी को 12 गोलियां लगी थी और हरदीप पर 4 फायर हुए थे। पॉन्टी हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने में लगी पुलिस ये भी जानना चाहती थी कि पहला हमला किसने किया था, लेकिन पुलिस ने जब दोनों गुटों के लोगों से पूछताछ की तो दो अलग अलग कहानियां सामने आई। पहली कहानी पेश की थी पॉन्टी चड्ढा के करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर सुखदेव सिंह नामधारी ने। शूटआउट के वक्त नामधारी पॉन्टी की ही गाड़ी में सवार था। पॉन्टी को उसकी आंखों के सामने गोलियों से छलनी किया था। दिल्ली पुलिस ने पॉन्टी चड्ढा के दोस्त सुखदेव सिंह नामधारी और हरदीप के ड्राइवर नंदलाल के बयानों पर दो अलग अलग FIR दर्ज की। तहकीकात शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही थी। पॉन्टी चड्ढा एक बड़ा कारोबारी था। चड्ढा खानदान के सियासी ताल्लुकात जग जाहिर थे, इसलिए दिल्ली पुलिस पर इस कांड की गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाने का भारी दबाव था। उधर हत्याकांड के अगले दिन यानी 18 नवंबर को एम्स में पोस्टमार्टम के बाद पॉन्टी चड्ढा और हरदीप सिंह चड्ढा की डेड बॉडी उनके परिवारों को सौंप दी गई। दोनों भाई आपस में दुश्मनी निभाते निभाते खत्म हो गए, लेकिन अंतिम संस्कार के वक्त उनके परिवारों ने एकजुटता दिखाई। परिवार वालों और रिश्तेदारों ने दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ करने का फैसला किया। शमशान घाट में पॉन्टी चड्ढा और हरदीप के रिश्तेदारों, कारोबारी दोस्तों और सियासी नेताओं की भीड़ लगी थी। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी, लेकिन ऐन मौके पर दिल्ली पुलिस ने पहुंचकर अंतिम संस्कार की रस्में रुकवा दी। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर पॉन्टी चड्ढा के जिस्म से सारी गोलियां नहीं निकाल पाए थे, लिहाजा दोबारा पोस्टमार्टम करना होगा। इतना सुनते ही वहां हंगामा खड़ा हो गया। पॉन्टी चड्ढा का दोबारा पोस्टमार्टम बेहद जरूरी था, लेकिन उसके परिवार वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार उन लोगों को समझा बुझाकर पॉन्टी का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। तब जाकर पता लगा कि उनके जिस्म को 7 गोलियों ने छलनी किया था। कई गोलियां उसे छूकर निकल गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हरदीप सिंह को 2 गोलियां मारी गई थी। दोबारा पोस्टमार्टम के बाद रात करीब 10:30 बजे पॉन्टी चड्ढा और हरदीप सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक खौफनाक कांड की बुनियाद रखने वाली दो भाइयों की दुश्मनी उनके बेजान जिस्म के साथ खाक हो गई। तारीख 17 नवंबर 2012, वक्त दोपहर के 12:30 बजे, छतरपुर दिल्ली। दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी बेहद पॉश छतरपुर फार्म हाउस इलाके की तरफ बढ़ी जा रही थी। उस गाड़ी की मंजिल थी छतरपुर का DLF फार्म हाउस नंबर 42। इस आलिशान बंगले का मालिक था गुरदीप सिंह चड्ढा उर्फ पॉन्टी चड्ढा।
उत्तर प्रदेश और पंजाब का सबसे बड़ा शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा। शराब और रियल एस्टेट के अरबों रुपए के साम्राज्य का मालिक पोंटी चड्ढा। शायद इसीलिए दिल्ली पुलिस इस फार्म हाउस के आसपास कम ही फटकती थी, लेकिन उस दिन पुलिस को मिली थी इस फार्म हाउस में एक बेहद भयानक कांड की खबर। फार्म हाउस नंबर 42 में एक खतरनाक शूटआउट की इत्तला पर पहुंची थी पुलिस। मौकाए वारदात पर पहुंचकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। वहां चप्पे चप्पे पर एक खतरनाक कांड के सुराग और सबूत बिखरे पड़े थे। फार्म हाउस के एक गेट पर ताला जड़ा हुआ था, दूसरे गेट के अंदर एक लाश पड़ी थी और फार्म हाउस के बाहर सड़क पर बिखरे पड़े थे कारतूसों के खोल। फार्म हाउस की दीवारों में मौजूद थे गोलियों के निशान। वहां खड़ी गाड़ियों पर भी फायरिंग के सबूत मौजूद थे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेने के बाद एक एक करके तमाम सबूत जुटाने शुरू कर दिए। साथ ही वहां मौजूद कई लोगों से पुलिस ने वारदात के बारे में पूछताछ की। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। जिस वक्त फायरिंग हुई तब दोपहर करीब 12 बजे का वक्त था। छतरपुर फार्म हाउस एरिया में उस वक्त चहल पहल थी। अचानक गोलियों की आवाज सुनकर आसपास काम कर रहे लोग भी दहशत में आ गए। फार्म हाउस नंबर 42 में खतरनाक हथियारों से लैस दो गुट इस अंदाज में एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे थे, जैसे किसी फिल्मी शूटआउट सीन की शूटिंग चल रही हो। उसी दौरान यहां से गुजर रहे विजेंद्र शर्मा नाम के इस शख्स ने भी वो खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा था। तो मैं जानापुर गांव की तरफ से आ रहा था, तो यहाँ पर बड़ी भगदड़ मची हुई थी, तो अंदर पंजाब पुलिस के आदमी खड़े हुए थे। चश्मदीदों के मुताबिक फायरिंग के वक्त डीएलएफ फार्म हाउस नंबर 42 में हथियारों से लैस दर्जनों लोग मौजूद थे। फार्म हाउस के मालिक पोंटी चड्ढा समेत कई लोगों की गाड़ियां खड़ी थी। हरदीप सिंह चड्ढा की लाश गार्ड रूम के नजदीक पड़ी थी। पोंटी चड्ढा जी की गाड़ी थी, उसका भाई भी था। गोलियों की आवाज आई, गोली बाहर तक यहाँ तक रोड तक पड़ी हुई थी, वो कारतूस जो थे। उसके बाद उसका भाई भगा भगा इस गार्ड रूम में आके लंबा लौट गया। चश्मदीदों से पूछताछ में साफ हो चुका था कि एक बेहद खतरनाक शूटआउट का अंजाम था हरदीप सिंह चड्ढा का मर्डर। पुलिस को यह भी पता चला कि फायरिंग की शुरुआत हरदीप ने ही की थी। हरदीप सिंह ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके अपने बड़े भाई पोंटी चड्ढा को ढेर कर दिया था। हरदीप की गोली से पोंटी का मैनेजर नरेंद्र अहलावत भी जख्मी था। फार्म हाउस नंबर 42 पर हुए इस खतरनाक शूटआउट के वक्त पोंटी चड्ढा के साथ उसका करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर सुखदेव सिंह नामधारी भी मौजूद था। बुरी तरह जख्मी पोंटी चड्ढा को लेकर सुखदेव सिंह नामधारी वसंत कुंज के फोर्टीज अस्पताल पहुंच गया था। दिल्ली पुलिस की एक टीम जब फोर्टीज अस्पताल पहुंची तो वहां पोंटी चड्ढा के परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ जमा थी। डॉक्टर उन्हें पोंटी की मौत की खबर दे चुके थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।